Hello and welcome. My name is Shakti Pandey and in today's video, I'm going to teach you 10 different ways to ask how are you. But before we get started, please watch this conversation carefully. Hey, how are you? I'm good. What about you? Hey, how are you? I'm fine. Thank you. How are you? Well. Hey, how are you? How are you? How are you? Hey, how are you? तो आपने देखा कि किस तरीके से जब हम किसी का हालचाल जानने के लिए बार बार हाउ आर यू का यूज करते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लगती है। वहीं पे जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं तो कई अलग अलग तरीकों से हालचाल जानते हैं। प्लीज़ वॉच दिस कन्वर्जेशन। और क्या चल रहा है? और सब ठीक? और कैसा चल रहा है? तो आपने देखा कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में हम कितने अलग अलग तरीकों से लोगों का हालचाल जानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं 10 डिफरेंट वेज टू आस्क हाउ आर यू, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश में वैरायटी ऐड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू इज़ वेरी यूजफुल एंड वी यूज इट मोस्टली व्हेन वी आर मीटिंग समवन फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। यस, जब हम किसी से लाइफ में फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब वहाँ पे हम हाउ डू यू डू का यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू डू के आंसर में आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि हाउ डू यू डू के आंसर में आप हाउ डू यू डू कैसे कह सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक सेंस नमस्ते के सेंस में या ग्रीटिंग के सेंस में होता है, जिसमें आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। वेरी फॉर्मल एंड यू कैन यूज इट ऑन फॉर्मल प्लेसेस, सो यूज इट। नेक्स्ट वन इज हाउस इज गोइंग। हाउस इज गोइंग दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड वी कैन यूज इट ऑन इनफॉर्मल प्लेसेस। हाउस इज गोइंग मीन्स कैसा चल रहा है, तो आप कह सकते हैं इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग वेरी वेल, आर यू वेल, क्या आप ठीक हो। आप कहते हैं कई बार कि क्या आप ठीक हो, तो आप कह सकते हैं आई एम वेल, आई एम नॉट वेल। आप जो भी बोलना चाहें आप इसके आंसर में कह सकते हैं। नंबर फोर इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज बींग यूज वेरी मच स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। व्हाट्सएप मीन्स और क्या चल रहा है, तो आंसर में आप कह सकते हैं नथिंग मच, नथिंग स्पेशल, या फिर जो भी चल रहा हो आप उसको बता सकते हैं। व्हाट्स न्यू, या व्हाट्स न्यू मीन्स और क्या नया है। नया मीन्स आपके साथ नया क्या हो रहा है, तो आप कह सकते हैं नथिंग मच, नथिंग स्पेशल, या जो भी आपके साथ हो रहा हो। हाउ आर थिंग्स। हाउ आर थिंग्स के आंसर में आप कह सकते हैं दे आर फाइन, या आप कह सकते हैं फाइन, नॉट वेल। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इनफॉर्मल। दिस इज यू ऑल राइट, यू ऑल राइट। आप यहाँ पे यू आर ऑल राइट कहते हैं तो उतना अच्छा साउंड नहीं करता, आप कहेंगे यू ऑल राइट। अगर आर आप साउंड नहीं भी कर पाते, छिप जाता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू ऑल राइट मीन्स सब ठीक। ऐसा कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि और सब ठीक, यू ऑल राइट, तो आंसर में आप कह सकते हैं यस ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर यू अप टू। यस, व्हाट आर यू अप टू इज अ सेंटेंस Many people don't know what is the Hindi of it, but the Hindi of what are you up to means आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लेकिन एक विशेष सेंस में। जब आप किसी व्यक्ति से कई काफ़ी समय बाद मिलते हैं तो आप कह सकते हैं आप क्या कर रहे हो, since we met last time। तो इसका यूज आप वेरी इनफॉर्मल प्लेसेस पे करेंगे, especially फ्रेंड्स से या कलीग से। इसको आप फॉर्मल प्लेसेस पे यूज नहीं कर सकते। What are you up to के आंसर में आप जो भी कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि आई एम डूइंग एक्स वाई जेड, वॉट एवर यू आर डूइंग। द नेक्स्ट वन इज हाउ आर यू फीलिंग। आप कई बार इनफॉर्मल सेंटेंसेस में ऐसा कहते हैं कि आप कैसे फील कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग। मेनी टाइम्स वी ऑल्सो यूज इट ऑन फॉर्मल प्लेसेस, बट देर इज डिफरेंट सिचुएशन। तो हाउ आर यू फीलिंग के आंसर में आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। एंड द लास्ट वन इज हाउडी। हाउडी यू मस्ट हैव हर्ड व्हेन पीएम मोदी हैड गॉन टू अमेरिका, देर वॉज अ प्रोग्राम By the name of Howdy Modi. Howdy means होता है नमस्ते। तो Howdy के आंसर में आप कह सकते हैं Howdy, क्योंकि इसका सेंस नमस्ते के रूप में आता है। How do you do का short form ही होता है Howdy. अब आपको लग रहा होगा कि Howdy तो एक informal sentence है या informal phrase है, लेकिन अमेरिका के कुछ शहरों में इसका use एक formal greeting के रूप में किया जाता है। That's why आपने सुना था Howdy Modi. तो this is very useful. You can use it on formal as well as informal places. तो आई होप आप इन सभी का यूज करेंगे और अपनी इंग्लिश में वेराइटीज़ को ऐड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।